नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ गरिमा भारती। आज 10 नवंबर है, यानी कि फैसले का दिन, और फैसला आता जा रहा है। अलग अलग विधानसभा सीटों पर रिजल्ट्स जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं और हम आपको लगातार अपडेटेड रख रहे हैं। इस वीडियो में बात हम मुजफ्फरपुर जिले की, मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट की करेंगे। वहां पर भी क्लियर हो चुका है कि आखिरकार कौन सी पार्टी आगे चल रही है और किस उम्मीदवार को जीत हासिल हुई है। सुरेश शर्मा नगर विकास मंत्री रहे, बीजेपी के उम्मीदवार रहे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट से, और वहां पर महागठबंधन के प्रत्याशी ने उन्हें हराया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के विजेंद्र चौधरी के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है। मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट का हम आपको अपडेट बता रहे हैं, फैसला निकल कर आ चुका है, जनता का जनादेश आ चुका है। ये पता चल चुका है कि जनता ने यहाँ पर महागठबंधन के प्रत्याशी पर ज्यादा भरोसा जताया है, उनके सर पर ही जीत का सेहरा बांधा है। महागठबंधन ने यहाँ पर सीट कांग्रेस को दी, कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए विजेंद्र चौधरी, और इन्हें जीत हासिल हुई है। जबकि बीजेपी ने नगर विकास मंत्री रहे और सुरेश शर्मा को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बीजेपी का दांव यहाँ पर फेल हो गया है। सुरेश शर्मा चुनाव हार चुके हैं मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट से, जबकि जीत इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार, महागठबंधन के उम्मीदवार विजेंद्र चौधरी को मिली है। अलग अलग विधानसभा सीटों पर नतीजे अलग अलग निकल कर आ रहे हैं। कहीं पर एनडीए के खाते में जीत जा रही है, तो कहीं पर महागठबंधन के उम्मीदवार उभर कर सामने आ रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है, एनडीए को हार का सामना करना पड़ रहा है। महागठबंधन के प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी को जीत हासिल हुई है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये सीट गई थी। हम आपको बार बार बता रहे हैं, बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में मुकाबला कड़ा हुआ, जहां पर बीजेपी को हार मिली है। नगर विकास मंत्री रहे सुरेश शर्मा को हार का सामना मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट पर करना पड़ा है, और यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी जीत गए हैं। अलग अलग विधानसभा सीटों के जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं, या फिर जिन सीटों पर मामला क्लियर होता दिखाई दे रहा है, हम आपको लगातार उन सीटों के अपडेट्स देते आ रहे हैं। ये बता रहे हैं कि कहां से कौन सा उम्मीदवार जीत कर सामने आ रहा है। ये मुजफ्फरपुर का अपडेट था। सुरेश शर्मा चुनाव हार चुके हैं महागठबंधन के प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी के हाथों से। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।